दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूँ जिसके पास एक ऐसा समय था जब उस बंदे के पास अपने मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज उस बंदे की एक महीने की इनकम 60,000 रुपए से भी ज्यादा है। इस भाई के चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स होता ही इसके चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। मेरा 25,000 सब्सक्राइबर था लेकिन यूट्यूब ने पता नहीं क्यों रात में मेरा 7 बजे चैनल को डिलीट कर दिया। कैसे इन्होंने अपने चैनल को सिर्फ 15 दिनों के अंदर वापस बुला लिया। हर रात सोने से पहले 2 अपील करके सो जाता था, वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई थी और मेरा चैनल वापस आ गया था। और एक टाइम था जब इनके शॉर्ट्स पर 1,000 व्यूज भी नहीं आते थे, लेकिन आज इनके शॉर्ट्स पर 50 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन इस तरीके से मिलियंस में व्यूज आता है। और जो लोग कहते हैं ना भाई शॉर्ट वीडियो से अर्निंग नहीं होती, इनकी एक एक शॉर्ट वीडियो से $40, $50, $30, यहाँ तक कि सबसे हाईएस्ट एक शॉर्ट वीडियो से जिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है $400 से भी ज्यादा का अर्निंग हुआ है, जो कि इंडियन करेंसी में कितना ज्यादा होता है आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो आइए जानते हैं इनके चैनल के बारे में, कैसे इन्होंने अपने चैनल को ग्रो किया, कैसे इन्होंने अपने चैनल पर 20 दिनों के अंदर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बनाया। तो भाई सबसे पहले आपका और आपके चैनल का नाम बताओ एंड बताओ आप कहाँ से हो। सबसे पहले थैंक यू भाई, आपने मेरे को अपने चैनल पे आने का मौका दिया। मेरा नाम है अतीश यादव और मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट देवरिया से हूँ और मेरे चैनल का नाम है यूपी का अतीश और मेरे चैनल पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। अच्छा, तो आपको ये 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने में कितना टाइम लगा? मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने में टोटल 20 दिन लगे और सब्सक्राइबर मेरे 2 मिलियन कम्प्लीट हो गए, अभी तो 22 लाख हैं। तो आतिश भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही रहेगा, आप ऐसा और शॉर्ट क्रिएटर से क्या अलग कर रहे हो, क्योंकि अभी के टाइम पर लाखों शॉर्ट क्रिएटर यूट्यूब पर आ गए हैं और वो चाइनीज ऐप से कॉपी पेस्ट करके वीडियो तो डाल रहे हैं लेकिन उनके वीडियो पर सिर्फ 10,000 व्यूज आएगा या 20,000 व्यूज आएगा, लेकिन आप उन्हीं चाइनीज वीडियो को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे क्या ट्रिक लगा रहे हो, ऐसा क्या वायरल हैशटैग लगा रहे हो जिससे आपके यूट्यूब पर 60 मिलियन 40 मिलियन 30 मिलियन इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है? सबसे पहले मैं तो मतलब न्यू कंटेंट ढूंढता हूँ क्योंकि एक ही कंटेंट बार बार अपलोड होता है यूट्यूब पे और मेरे जैसे हजारों करोड़ों मतलब लाखों मतलब चैनल हैं, मैं एक न्यू कंटेंट अपलोड करता हूँ जिसपे जल्दी से जल्दी व्यूज आता है और मैं ना अपना लेंथ भी ज़्यादा रहता हूँ क्योंकि ज्यादा लेंथ रहेगा तो वीडियोस में व्यूज आने का चांस बढ़ जाता है और वॉच टाइम बढ़ता है 40 सेकंड से ऊपर की। तो ये बात तो भाई ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप वीडियो की लेंथ को ज्यादा रखते हो आपकी ऑडियंस अगर उस वीडियो को आधा भी देखती है ना तो भी आपका वीडियो वायरल होगा। रिसेंट में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव प्रूफ देख सकते हो, मेरे जो शॉर्ट चैनल है जिस पर 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उस पर मैंने वीडियो को अपलोड किया, उसकी लेंथ लगभग 55 सेकंड से भी ज्यादा की है और लोगों ने उसे 40 सेकंड के लिए देखा है। अब आप देख सकते हो लोगों ने उसको कम देखा, रिटेंशन भी कम आया लेकिन पर व्यूज आज 1 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। तो आपको पता चल गया होगा यूट्यूब पर ज्यादा लेंथ के वीडियो बनाने से हमें क्या क्या फायदा होता है, ऑडियंस रिटेंशन का तो फायदा मिलता ही है और साथ ही साथ हमारे वीडियो पर अगर कम ऑडियंस रिटेंशन आता है तो भाई वॉच टाइम इतना ज्यादा मिलता है जिसकी वजह से यूट्यूब उस वीडियो को और ज्यादा लोगों के पास पहुंचाता है। तो मैं यहाँ पर अभी भाई से पहले इंस्टाग्राम पर बात किया पॉडकास्ट से पहले, तो इन्होंने बताया था इनके चैनल पर जब 25,000 सब्सक्राइबर्स थे तब इनका चैनल डिलीट हो गया था। तो भाई आप बताओ आपका चैनल डिलीट क्यों हुआ, किस गलती की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अगर गलती कर रहे होंगे तो यहाँ पर वो ये गलती करना बंद कर देंगे क्योंकि उनका चैनल भी डिलीट हो जाएगा। आज के टाइम पे हजारों लाखों शॉर्ट क्रिएटर्स के चैनल डिलीट हो जाते हैं बिना किसी वजह के, तो वो यहाँ पर अपने चैनल को रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन आपने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या यूट्यूब टीम से खास बात की जिसकी वजह से आपका चैनल यहाँ पर 20 से 30 दिनों के अंदर वापस से रिकवर होके आ गया? तो मैं भी मतलब हार मान गया था फर्स्ट दौर में, जब मेरा 25,000 सब्सक्राइबर था तो उस टाइम मेरे रियल टाइम में लाखों व्यूज आ रहे थे, लेकिन YouTube ने पता नहीं क्यों रात में मेरा 7 बजे चैनल को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा वो सैड हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा मुझसे। मैंने मतलब अपील किया तो वो लोग रिजेक्ट कर दिए, बहुत बार अपील किया रिजेक्ट कर दिए कैसे, फिर मैंने हार मान लिया क्योंकि YouTube टीम ने खुद बोला था कि आपके चैनल पे प्रॉब्लम है, हमने चेक किया है, तो फिर मैंने हार मान लिया। फिर से मैंने ऐसे छोड़ नहीं सकता है उस चैनल को, मैंने YouTube पे वीडियोस देखा, उसमें बताया गया था कि अगर आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर भी आपको चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा, तो मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट क्लेम तक नहीं था। फिर मैंने अपील करना स्टार्ट कर दिया, हर रात सोने से पहले 2 अपील करके सो जाता था और ऐसे ही करते करते मुझे 30 दिन हो गए और जो लास्ट 30 दिन में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने रात में अपील करके सो गया और फिर से सुबह की तरह, हर रोज़ की सुबह की तरह मैं गया अपील देखने,
तो वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई थी और मेरा चैनल वापस आ गया था, जिसका उम्मीद नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ने सिर्फ अपील करके नॉर्मल, जो कि यहाँ पर आप लोग कहते हो भाई हम अपील कर चुके हैं यूट्यूब हमारे चैनल वापस नहीं लौटा रहा है, लेकिन भाई ने ये सेम प्रोसेस किया और अपने चैनल को वापस भी बुलाया। अब देखिए भाई ने तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं की थी, लेकिन मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ जो आप लोग करते हो। सबसे पहले आप लोग चाइनीज वीडियो पर से क्या करते हो, एक ही चाइनीज वीडियो को अपलोड करोगे एक ही प्रोफाइल की, और भाई अगर उसी चाइनीज वीडियो को कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा होगा तो आपको यहाँ पर चैनल डिलीट होने वाला है भाई, आपका चैनल कोई नहीं बचा सकता। तो फिलहाल आतिश भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके लिए ऑडियंस हमारी इंतजार कर रही थी, आप अपने चैनल पर जो वीडियोस अपलोड करते हो जिस पर 60 मिलियन व्यूज है 40 मिलियन, तो उस टाइप के कंटेंट आप उठाते कहाँ से हो? और अगर चाइनीज ऐप से उठाते हो तो आप हमें चाइनीज ऐप का नाम बताइए, जिससे मैं अपने ऑडियंस को वो चाइनीज ऐप यहाँ पर बता सकूँ कहाँ से डाउनलोड करें। सबसे पहले मैं तो चाइनीज एप्लीकेशन का लिंक भाई को भेज दूंगा, अगर किसी को भी लेना है तो टेलीग्राम से डायरेक्ट ले सकता है। तो देखिए चाइनीज एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, एंड वहाँ से आपको मेरे टेलीग्राम पर चाइनीज एप्लीकेशन मिल जाएंगे। एंड भाई तो एक एप्लीकेशन से लेते होंगे, लेकिन मेरे टेलीग्राम पर दो चाइनीज एप्लीकेशन है जो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप उनको डाउनलोड करना है। एंड देखिए भाई अगर आपको यहाँ पर इनकी तरह वीडियो को अपलोड करना है, सेम वाली वीडियो को जो अभी ये अपलोड करते हैं जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज है, तो भाई मैं आपको बताऊँ ना, उसके यहाँ पर कोई प्रोफाइल का लिंक नहीं होता है, सिंपल से कुछ नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, मैं इस सीक्रेट नंबर को इस यहाँ पर चाइनीज ऐप पर पेस्ट करता हूँ तो ये प्रोफाइल मेरे सामने आ गया, जिस टाइप का कंटेंट अपलोड किया जाता है इस चाइनीज ऐप में, जो कि आप उठाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हो। तो इसी तरीके से मैं आपको 5 से 10 आईडीज बिल्कुल यूनिक कंटेंट के भाई से लेकर यहाँ पर देने वाला हूँ जो यूट्यूब पर कोई भी अपलोड नहीं कर रहा है। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आपको वो सारे की सारी आईडीज मिल जाएंगी जिनके आप कॉपी करके उस चाइनीज ऐप में पेस्ट करोगे तो आपके सामने कंटेंट की आईडी खुलकर आ जाएगी। तो अब आप बताइए आपके वीडियो लेने का प्रोसेस क्या रहता है, जैसे आपने चाइनीज ऐप से वीडियो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपका एडिटिंग का प्रोसेस क्या रहता है जिसकी वजह से आपके वीडियो पर कॉपीराइट नहीं आता, एंड अभी तक आपको चैनल यहाँ पर डिलीट होने के बाद भी फिर से रिकवर होकर आ गया, क्योंकि यूट्यूब को अगर उसमें कोई गलती नजर आ तो वो आपको चैनल यहाँ पर वापस ही नहीं देता। सबसे पहले मैं तो अपना वीडियो इजिली डाउनलोड करता हूँ बिना वाटर मार्क के, और जब वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ तो अपने एप्लीकेशन जो भी आप लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन एडिटिंग के लिए, तो मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ अपने एडिटिंग के लिए। उस एप्लीकेशन में जाने के बाद उस वीडियोस का जो साउंड होता है उसे म्यूट कर देना है, और उसे म्यूट करने के बाद आप अगर AI वॉइस यूज़ करते हैं तो AI वॉइस में आपको बहुत सारा कट लगाना पड़ता है, उसे कट लगा के एडजस्ट करके, और बहुत सारा सेटिंग है वीडियोज़ क्वालिटी, और वो जो भी सीखना है तो भाई के चैनल पर वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आतिश भाई अब आप बताओ आप AI वॉइस किस वेबसाइट से लेते हो, और बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि भाई हम 11 लैब वेबसाइट से अगर AI वॉइस लेते हैं या फिर किसी और वेबसाइट से तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 10,000 वर्ड का लिमिट मिलता है, इससे ज़्यादा हम AI वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो मैं तो अपना AI वॉइस 11 ऐप से ही बनाता हूँ क्योंकि वहाँ से इजीली बन जाता है। मैं अपना वॉइस तो 11 ऐप से ही लेता हूँ, और मेरी टोटल वीडियोस में AI वॉइस ही है जो कि पॉपुलर वीडियोस भी हैं, तो मैं जो भी प्रोसेस करता हूँ वो बहुत इजी होती है, और मैं 10,000 से ज़्यादा भी वर्ड्स ले लेता हूँ। तो अगर आपको भी ये प्रोसेस सीखना है तो भाई के पास मैं वो चीज़ बता दिया हूँ, भाई आपको बता देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर तो मैं आपको क्लिप प्ले करके नहीं दिखा सकता जो आतिश भाई ने हमको सॉल्यूशन दिया है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप उस क्लिप को देखोगे तो 11 ऐप से आप 10,000 क्या 10,00,000 वर्ड का भी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो, AI वॉइस जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल से आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में अभी एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, एंड मैंने उस पर डिटेल से पूरा प्रोसेस बताया है कैसे आपको 10,000 वर्ड से ज्यादा की AI वॉइस जनरेट करनी है। तो आतिश भाई अब जिस क्वेश्चन का सारी ऑडियंस वेट कर रही थी, भाई आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था और अभी तक आपने यूट्यूब से हाईएस्ट पेमेंट कितना लिया है? सबसे पहले मेरा पेमेंट $500 आया था, जो कि पिछले मंथ मतलब अप्रैल में 24 तारीख को आया था। अभी तक मेरी यूट्यूब की टोटल अर्निंग 800 की हुई है। तो मतलब भाई का कहने का मतलब है $800 अभी तक उन्होंने YouTube से टोटल ले लिया है। अगर मैं आपको बताऊं $800 इंडियन करेंसी में कितना होता है तो ये लगभग 65,000 के आसपास होता है। तो देख सकते हो भाई ने यहाँ पर बिना एक रुपए इन्वेस्ट किए अपने सिर्फ आवाज़ के यूज़ करके, और आवाज़ का भी यूज़ नहीं, भाई ने तो AI वीडियो का यूज़ किया है।
अपनी वीडियो पर करोड़ों में व्यूज आया और भाई देख सकते हो भाई ने 1 रुपए खर्च किए 60,000 रुपए की अर्निंग भी कर ली और अभी भी भाई का चैनल मोनेटाइज है। हर महीने उनके 100-200 डॉलर यहाँ पर बन जाते हैं जिसकी वजह से उनकी अर्निंग अभी बहुत ज्यादा हो रही है। एंड भाई कुछ ही टाइम में भाई यहाँ पर आईफोन भी लेने वाले हैं एंड काफी सारे गैजेट लेने वाले हैं। मैंने उनसे पर्सनली बात किया था एंड मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा अगर आपको फेक प्रूफ लग रहा हो भाई। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख लीजिए इनके एक एक वीडियो का अर्निंग कितना ज्यादा है एंड यहाँ पर देख सकते हो इनकी हाईएस्ट इनकम बिल्कुल रियल है ये रहा है इनका हाईएस्ट इनकम एंड इनकी हर मंथ की जो इनकम होती है उसके यहाँ पर प्रूफ भी मैं लगा दूंगा आप यहाँ पर देख सकते। तो आतिश भाई अब आप बताओ नए नए जो क्रिएटर्स होते हैं उनके वीडियो पर या तो 1K 2K व्यूज आते हैं या फिर शुरुआत में 0 व्यूज आते हैं तो वो इसका सोल्यूशन क्या है, आप यहाँ पर क्या टिप्स दोगे इन यूट्यूबर्स को? जो न्यू क्रिएटर होते हैं उन्हें पता नहीं रहता ना कि कैसे क्या काम करना है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि आज वीडियो डाल दिए उनके में 1-2 हज़ार व्यूज़ आ भी गया तो नेक्स्ट टाइम से वो लोग मतलब 2-3 दिन डालेंगे और जब भी उनके वीडियोस में 0 व्यूज़ आएगा तो वो उस चैनल को छोड़ देंगे या एक दो सप्ताह उस पर गैप कर देंगे और फिर कहेंगे कि मेरे चैनल पर व्यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो भाई ने यहाँ पर आपको 100% सॉल्यूशन बता दिया है। आप लोग यहाँ पर अपने चैनल पर 10 या 20 वीडियो अपलोड कर दोगे और फिर कहोगे भाई हमारे वीडियो पर तो 0 व्यूज आ रहा है, क्या हमारा कंटेंट खराब है या हमारा चैनल बेकार है? भाई बेकार कुछ नहीं है, बेकार सिर्फ आपके यहाँ पर जो सोच है। भाई आप लोग सोचते हो हम आज वीडियो डालेंगे और कल हमारे वीडियो मिलियन से पार हो जाएगा, ऐसा ना आपके साथ होगा और ना मेरे साथ होगा। क्योंकि भाई मैंने जब अपने शॉर्ट चैनल को स्टार्ट किया था जब 0 सब्सक्राइबर्स थे तब मैंने लगभग 100 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड किए थे, तब मेरा यहाँ पर 110 वीडियो वायरल करने का तब मेरा 110 वीडियो डालने के बाद यहाँ पर पहला वीडियो वायरल हुआ था जिस पर आप देख सकते हो अभी के टाइम पर 12 मिलियन व्यूज है। एंड भाई एक वीडियो वायरल हो जाता है फिर आपको व्यूज आना चालू हो जाते हैं। एंड अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आतिश भाई आप बताओ आपने कितने वीडियो डालने के बाद आपका फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था?